भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया सेमीफाइनल का काफी घातक विस्फोटक टी20 का मुकाबला। यहां पर कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल कुलदीप यादव की आक्रामक विस्फोटक गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया और इंग्लैंड की टीम को सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन एक पल के लिए भारतीय टीम के दिग्गज से दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और ऋषभ पंत आउट होते हुए जा रहे थे, तो वहीं सूर्य कुमार यादव और कप्तान रोहित शर्मा दोनों बल्लेबाज काफी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक तरीके से खेला गया, क्योंकि यह मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच था और दूसरी बात, यह सेमीफाइनल का मुकाबला था। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला बॉल बाय बॉल का दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। हेडमैन कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया के डेडिकेटेड विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए गए। कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक विस्फोटक अंदाज में 2 छक्के और 2 गगनचुंबी चौके ठोक दिए और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से डट कर बल्लेबाजी करने लगे, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। शुरुआती दौर में विराट कोहली ने काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की और विराट कोहली ने तीसरे ओवर की 4थी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। लेकिन फिर 3रे ओवर की 5वीं बॉल पर विराट कोहली वहीं पर सिमट गए और विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया टॉपली ने। अब विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए, वो भी काफी आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। लेकिन विराट कोहली के बाद अब यहां पर ऋषभ पंत का भी बल्ला नहीं चला। ऋषभ पंत सिर्फ आप सभी को बता दें 14 गेंदों पर 12 रन ठोक के आउट हो गए और ऋषभ पंत कैच आउट का सामना कर बैठे। ऋषभ पंत काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटे हुए थे, लेकिन ऋषभ पंत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अब विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों की आखिरकार हालत क्या होगी, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 40 था और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और ओवर की बात करें तो 7 ओवर भी जा चुके थे। लेकिन फिर मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो बल्लेबाज है जिसने यहाँ पर आते ही टॉपली जैसे खूंखार विस्फोटक गेंदबाज को धो दिया और तूफानी विस्फोटक अंदाज में 2 छक्के और 2 गगनचुंबी चौके ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो भाई यहाँ पर 56 रन ठोक करके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए। अब हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा 56 रन ठोक करके आउट हुए तो विराट कोहली का साथ यहाँ पर यानी कि हार्दिक पांड्या यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जिन्होंने आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय शेरों को आउट करें तो करें कैसे। यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों बल्लेबाज आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में यहाँ पर जो इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोरे थे। भारतीय शेरों ने 20वें ओवर तक जाते जाते इंग्लैंड की टीम के सामने 270 रन ठोक दिए। अब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 271 रनों की जरूरत थी, जहाँ पर यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान और यहाँ पर जोस बटलर के साथ टॉपली बल्लेबाजी करने के लिए आए। लेकिन जोस बटलर को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया, कुलदीप यादव ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 2रे ओवर की 6ठी बॉल पर यहां पर आप सभी को बता दें कि टॉपली को टोपी पहना करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर जोस बटलर को अक्षर पटेल ने कैच आउट कर दिया। आप सभी को बता दें अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 4-4, 3-3 विकेट चटका दिए, जहां पर पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम इन गेंदबाजों से काफी ज्यादा परेशान हो गई। इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से सेमीफाइनल हार चुकी है और भारतीय टीम अब सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में पहुंच चुकी है। अब भारतीय टीम का मुकाबला आखिर यानी कि लास्ट मुकाबला कल 29 जून को यहां पर खेला जाएगा और यह मुकाबला भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। क्रिकेट से जुड़ी हुई जानकारी और हाईलाइट वीडियो हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे।